वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हिंसा हुई, क्या वो सिर्फ कुछ लोगों का गुस्सा था या फिर सोची समझी साजिश थी, इस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा जिसमें अस्पताल के अंदर हुई एक हरकत पर सरहद पार से नजर रखने की खबर है। कहा जा रहा है कि एक तरफ इधर तोड़फोड़ हो रही थी और दूसरी तरफ कट्टरपंथियों की फौज इस पूरे हमले से लेकर हालात पर नजर बनाए हुए थी। इस खुलासे के बाद अब बड़े सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कोलकाता रेप कांड के बाद फैली हिंसा का कनेक्शन सरहद पार बांग्लादेश और पाकिस्तान से है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी पर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हिंसा की इन तस्वीरों ने देश को गुस्से की आग में झोंक दिया। हर कोई हैरान था कि आखिर 5 से 7 हजार लोगों की भीड़ भला एक अस्पताल में हमला करने क्यों पहुंच गई। आखिर अस्पताल से उसकी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो पूरा का पूरा इलाका अस्पताल पर अटैक करने पहुंच गया। लेकिन अब खबर आई है कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो हमला हुआ उसका रिमोट कंट्रोल कहीं न कहीं हिंदुस्तान से बाहर बांग्लादेश और पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। आशंका जताई गई है कि इस हिंसा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने लिखी थी। तो क्या पश्चिम बंगाल को भी बांग्लादेश की तरह हिंसा की आग में धकेलकर अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? ढाका में धार्मिक कट्टरता का जो खूनी खेल हुआ उसे कोलकाता में भी दोहराने की तैयारी थी। लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या से सुलगे गुस्से को भारत में विद्रोह की चिंगारी बनाने की साजिश सीमा पार से चल रही थी क्या? आखिर इसके क्या मायने हैं और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उसे समझिए। दरअसल कोलकाता कांड के बाद सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और अफवाहें फैलाई गईं। यहां तक कि पीड़िता की पहचान भी उजागर करने की कोशिश की गई। जांच में जुटी पुलिस का कहना है इनमें से कुछ अफवाहें बांग्लादेश और पाकिस्तान से फैलाई जा रही थी। कुछ अफवाहें बांग्लादेश और पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से फैलाई जा रही थी। इन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने के लिए किया गया। इसके बाद इन फेक प्रोफाइल के जरिए झूठी खबरें फैलाई गईं। लोगों में गुस्सा भड़काने और तफ्तीश को भटकाने का प्लान भी था। तो क्या आरजीकर कॉलेज में प्रदर्शनकारियों पर हमला और अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी सीमा पार की साजिश के टूलकिट थे जो आंदोलनकारियों पर हमला कर प्रदर्शनकारियों की भीड़ को भड़काना चाहते थे ताकि कोलकाता की सड़कें भी बांग्लादेश की तरह लहूलुहान हो जाएं? वो तो सैल्यूट है उन प्रदर्शनकारियों को जिन्होंने इसके बावजूद अपना आपा नहीं खोया और देश के कानून पर भरोसा रखते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखा, वरना सीमा पार के मंसूबे कोलकाता में अंजाम तक पहुंच सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।